भारतीय जनता पार्टी के फेमस प्रवक्ता हैं जिनका नाम है संबित पात्रा। इनके बारे में आप दोस्तों अच्छे से जानते होंगे। दोस्तों इनके पीछे दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है वो पीछे पड़ गई है और संबित पात्रा एक मुसीबत में पड़ गए हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने 10 मई को अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था राजीव गांधी जी के ऊपर और जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर। दोस्तों अभद्र भाषा का प्रयोग किया था जवाहरलाल नेहरू को लेकर और राजीव गांधी जी को लेकर। इसी को लेकर दोस्तों इनके खिलाफ रायपुर यानी छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर FIR दर्ज हो गई थी। FIR दर्ज होने के बाद दोस्तों फिर रायपुर की पुलिस ने इनको नोटिस भेजा 19 मई को। वही दूसरा नोटिस, पहला नोटिस 19 मई को भेजा संबित पात्रा को, तो ये हाजिर नहीं हुए, रायपुर नहीं पहुंचा। वही दूसरा नोटिस 2 जून को भेजा छत्तीसगढ़ यानी रायपुर की पुलिस ने, तो ये 2 जून से पहले ही आपने खबर सुन ली होगी कि संबित पात्रा को कोरोना हो गया है और वो अस्पताल में गुड़गांव में एडमिट हो गए। पर दोस्तों ये झूठी खबर थी, क्या थी, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट, कोई भी ऑफिशियली, कोई भी गवर्नमेंट की साइड से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी, और ना ही ऑफिशियली संबित पात्रा ने कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाया, कोई भी रिपोर्ट दिखाई कि संबित पात्रा को कोरोना वायरस हो गया है। उन्होंने रायपुर की पुलिस का जो नोटिस आया था उससे बचने के लिए, उसकी जाँच से बचने के लिए वो गुड़गांव के यानी गुरुग्राम के अस्पताल में एडमिट हो गए। अब दोस्तों 8 जून को एक और अब तीसरा नोटिस भेजा है रायपुर की पुलिस ने। 8 जून को इनको हाजिर होना है फुल डॉक्यूमेंट के साथ, फुल सबूत के साथ, जो इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था संबित पात्रा ने। अब ये हाजिर होते हैं ये नहीं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। फिर 8 जून के बाद अगर ये हाजिर नहीं होते तो इनको एक और नोटिस भेजा जाएगा। दोस्तों एक और नोटिस भेजने के बाद अगर ये नहीं होते हैं हाजिर तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है और ये सीधा का सीधा गिरफ्तार भी हो सकते हैं और जेल भी जा सकते हैं संबित पात्रा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसा ढोंग रच रहे हैं संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एक तो ये इन्होंने जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी जो कि इस दुनिया में है भी नहीं, उनके बारे में ये अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। फिर इनको रायपुर की जो पुलिस है इनको नोटिस भेज रही है, तीसरा नोटिस भेज चुकी है अब तक, ये अभी तक इनका कुछ नहीं पता है कब हाजिर होंगे। इन्होंने एक ढोंग रचा है और गुड़गांव में ये एडमिट हो गए कोरोना वायरस का, बता के मुझे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो मैं कोरोना वायरस को, मतलब एक भारत की जनता को, लोगों की जनता को ये बेवकूफ बनाना चाहते हैं और वहां पर जाके एडमिट हो गए। पर इनका बचना जो है नामुश्किल है दोस्तों, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि ये बच जाएंगे, क्योंकि रायपुर की जो पुलिस है और कांग्रेस पार्टी जो है इनके पीछे बिल्कुल पड़ गई है। दोस्तों चलिए आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।